राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत आज दिल्ली आने वाले हैं। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि गहलोत को कांग्रेस अध्यक्ष पद की कमान दी जा सकती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के कयासों के बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर राज्य में गहमा गहमी बढ़ गई है। कांग्रेस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गहलोत 26 सितंबर को अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल कर सकते हैं। वे आज दिल्ली आ रहे हैं और पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करने वाले हैं। इससे पहले गहलोत ने कल पार्टी विधायकों के साथ एक बैठक में कुछ जरूरी दिशा निर्देश दिए। हालांकि इसका खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन इस बीच ये सवाल उठने लगे हैं कि राज्य में उनकी जगह सीएम कौन होगा। कांग्रेस में एक पद पर एक व्यक्ति का सिद्धांत है। ऐसे में गहलोत अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर आसीन होते हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। मुख्यमंत्री कौन होगा? प्रताप सिंह का हाथ में है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही है, अशोक गहलोत ही रहेंगे भी। आपको लग रहा है क्या ऐसा? ऐसा कुछ भी नहीं है। अशोक गहलोत, आपको लगता है, उन्होंने साफ कहा मैं राजस्थान छोड़ के कहीं नहीं जा रहा हूँ। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि कांग्रेस के भीतर फिलहाल दो नामों पर चर्चा गर्म है, सीपी जोशी और सचिन पायलट, जबकि सीएम अशोक गहलोत की पूरी कोशिश होगी कि वो अपने किसी विश्वास पात्र को सीएम बनवा सके।